नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि जो लोग इंटरमीडिएट पास कर गए हैं, अब उन लोगों को दिमाग में ये बात है कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन के लिए, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो उन लोगों के लिए मैं नोटिस लेकर आया हूँ कि जो कि नोटिस आई है बिहार बोर्ड की तरफ से। जैसा आप देख रहे हैं, पोस्ट अपडेट जो है वो 7 अप्रैल 2019 का है। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इज़ इन्वाइटेड ऑनलाइन कॉमन एप्लीकेशन फॉर टेकिंग एडमिशन इन ग्रेजुएशन एंड डिग्री कॉलेज इन 10 यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। जो बिहार की 10 विश्वविद्यालय हैं उसमें आप एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। सेशन 2019 से 2022 का जो 3 साल का सेशन होगा, क्योंकि अब जो है ऑनलाइन होता है एडमिशन, ठीक है। आपको जितना मार्क्स मिला है उस अनुसार पे आपको यूनिवर्सिटीज का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लिस्ट जारी करेगी यूनिवर्सिटी। तो आपको अपनी प्रिफ्रेंस डालनी होगी, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अब वेट करना होगा कि आपको फर्स्ट लिस्ट में आ जाता है, नहीं तो सेकंड लिस्ट में आएगा या थर्ड लिस्ट में आएगा। तो आप उस अनुसार से आप एडमिशन लेंगे। अगर आपकी चॉइस किसी, मान लो कि आप पटना यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किए और पटना यूनिवर्सिटी का फर्स्ट लिस्ट जब जारी किया गया तो उसमें आपका नाम ना आकर दूसरे यूनिवर्सिटी में आपका नाम आया है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस दौरान एडमिशन लेते हो या एडमिशन नहीं लेते हो, तो सेकेंड लिस्ट का वेट करते हो। तो आइए पूरी जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, जो एप्लीकेशन कब से शुरुआत हो रहा है, ठीक है, उसका डेट जल्द ही आने वाला है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट कमिंग सून, एप्लीकेशन लास्ट डेट कमिंग सून। जो फी लग रहा है वो एप्लीकेशन फी, यहाँ पे देखिए आप लोग को 300 रुपया लगेगा, ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो जानते ही हैं कि जो इंटरमीडिएट किए हैं बिहार बोर्ड से या CBSE से, ठीक है, या ICSE से या किसी अन्य बोर्ड से, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, बिफोर अप्लाई ऑनलाइन कीप वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आप लोग जान लीजिए कि आप लोग का एक ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ठीक है, और ईमेल आईडी वैसा होना चाहिए जो ईमेल आईडी चालू हो। ऐसा नहीं कि बहुत दिन पहले ईमेल बनाए थे वो बंद हो गया हो, तो वो ईमेल आईडी नहीं चाहिए। तो आप लोग का साथ अगर प्रॉब्लम है तो नया ईमेल आईडी बना लेना, उसमें वही मोबाइल नंबर डालना जो मोबाइल नंबर पास में हो। दूसरी बात, टू हैव ए गुड क्वालिटी रिसेंट स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एंड वाइट पेपर, हाल ही का फ़ोटो होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, पुराना फ़ोटो ही डालते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना, एक नया फ़ोटो रखना खुद का। साथ ही साथ जो सिग्नेचर करना वो वाइट पेपर पे ब्लैक से सिग्नेचर करना, तो सिग्नेचर का स्कैन अच्छा आएगा। थर्ड है, गो टू ऑफिशियल वेबसाइट www.ofssbihar.in। किस साइट पे जाना है, तो आपको इसी साइट पे जाना है या वाई गिवन बिलो लिंक, या जो लिंक दिया गया है उस अनुसार। तो आप लोग नोट कर लेंगे www.ofssbihar.in। थर्ड पॉइंट है, आफ्टर ओपनिंग वेबसाइट क्लिक ऑन बटन ऑनलाइन ग्रेजुएशन रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2019-2020। जब आप वेबसाइट का लिंक खोलोगे तो आपको ग्रेजुएशन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाना है। द इंटर रिक्वायर्ड डिटेल्स फॉर रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल मांगेगा वो आपको पुट करना है, यानी कि फिल करना है, डालना है। फोर्थ नंबर, द इंटर रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिफ्थ है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन क्लिक ऑन स्टूडेंट लॉगिन फिल एप्लीकेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। आफ्टर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म देन क्लिक ऑन पे बटन। जब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर लेंगे तो आपको पे नाउ बटन पे क्लिक करना होगा, यानी वहाँ पे आपको पेमेंट करना है। कंप्लीटिंग पेमेंट प्रोसेस देन टेक प्रिंट ऑफ इट फॉर एडमिशन। उसके बाद अब उसका प्रिंट ले लें ताकि एडमिशन में आपको दिक्कत ना हो। अगर आपको हेल्प नंबर चाहिए, यहाँ पे बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड का हेल्प नंबर दिया गया है, ठीक है, और आपको जो कॉल करना है वो 10 से 5 बजे तक कॉल करना है, वो भी वर्किंग डेज में। तो ध्यान देंगे, छुट्टी के दिन पे कॉल नहीं करेंगे, संडे तो ऐसे ही, और अगर कोई फेस्टिवल का छुट्टी है तो उसमें भी आप नहीं कर सकते हैं। अब ओएफएसएस में जो बिहार की 10 यूनिवर्सिटी है उसका नाम दिया गया है। फर्स्ट में देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, सेकेंड पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना,
उसके बाद देखें ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, मगध यूनिवर्सिटी गया, मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर, पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया, तिलका मांझी, भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा। तो आपको जिस कॉलेज में जिस यूनिवर्सिटी में आपको मिलेगा आपके नंबर के अनुसार ही आपका लिस्ट आता है, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो जरूर से सभी को शेयर कर लेना। देखिए इसी साइट पे आपको नोटिफाई सुन, अभी अप्लाई का डेट नहीं आया है, ठीक है। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देखते रहिएगा। जैसे ही शुरू हो जाएगा मैं आप लोग को बता दूंगा। तो इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया कि कैसे कैसे आप लोग को क्या करना है। तो अभी से सोच लो कि हमें किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। यहाँ पे जो 10 यूनिवर्सिटी का नाम नीचे दिया गया था उस यूनिवर्सिटी को नोट कर लो और अपना पसंद के अनुसार यूनिवर्सिटी चुनना। मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा पसंद लोगों की होती है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, जिसे पटना यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस पे जो लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है तो सबसे ज़्यादा भीड़ इसी पे होगी, क्योंकि ये टॉप यूनिवर्सिटी है बिहार की। तो आप लोग जब फिल करेंगे तो पहले अपना पटना यूनिवर्सिटी ही डालना, ठीक है। सेकेंड लिस्ट तक वेट करना, अगर दिख रहा कि ज़्यादा कटअप जा रहा है, अगर उसमें आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो जो यूनिवर्सिटी आपको मिले उसमें एडमिशन ले लेना, नहीं तो बाद में क्या होता है प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।